हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरसी जीडीसी वाले छात्रों के लिए एक और आरआरसी से बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली जो है एक और आरआरसी से जीडीसी एग्ज़ाम के टेंडर के रिगार्डिंग अपडेट यहाँ पर देखने को मिली है। ईसीए क्या लगभग यहाँ पर फाइनल हो चुका है और बात करेंगे इसी वीडियो में कि क्या बाकी आरआरसी का ईसीए टेंडर कब तक के जारी हो सकता है और एग्ज़ाम डेट कब तक के आ सकती है। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की पल-पल के अपडेट्स के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने IREPS मतलब कि इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा, जब यहाँ पर जो है सारे टेंडर की आपको जानकारी मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर जो है आरआरसी चेन्नई के द्वारा जीडीसी का जो एक ईसीए का टेंडर जारी किया गया था, जो कि 21/7/2023 मतलब पिछले साल का है। तो देखिए, यहाँ पर जीडीसी फर्स्ट के लिए बात की गई थी, लेकिन आप सभी को पता है कि यहाँ पर 21/7/2023 को तो अपना लगभग वैकेंसी भी लगभग उस टाइम पर आया था और उसका जो है टेंडर उसके रिगार्डिंग दिया गया था। लेकिन बाद में जो है आपको सभी को पता है कि आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता को जो है सारे सेंट्रलाइज लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का नोडल ऑफिस बनाया गया था। लेकिन उसके बाद देखिए आरआरसी, आप देखिएगा यहाँ पर देखिए आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के द्वारा आरआरबी कोलकाता को जो हैंड ओवर किया गया था जीडीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए सेंट्रलाइज लेवल पर, आप सभी को पता है। लेकिन वहीं पर बात करें तो देखिए आरआरसी चेन्नई ने फिर से एक जीडीसी का ईसीए 2 जारी किया, मतलब कि अपने अब देखिए रेलवे बोर्ड ने क्या बोला है, भैया सभी अपने अपने लेवल पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो जो 15/12/2023 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसके बाद रेलवे बोर्ड ने सभी आरआरसी को इंडिपेंडेंट कर दिया है और बोला कि अपने अपने आरआरसी लेवल पर आप एग्ज़ाम करवा रही है। तो यहाँ पर जो है साउदर्न रेलवे हेडक्वार्टर के द्वारा ईसीए का टेंडर जारी किया गया था, जीडीसी ईसीए 2 मतलब कि यहाँ पर अपने लेवल पर जीडीसीए कंडक्ट करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है टेंडर की अभी जो आप देख सकते हैं इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBET CBTST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, इस तरह से जीडीसी के लिए यहाँ पर टेंडर निकाला गया है। देखिए यहाँ पर जो है वर्क दिया गया है, इसके बारे में बात करें तो देखिए 29/1/2024 को इसका जो है टेंडर बॉक्स ओपन हो चुका है, आप सभी ऊपर देख सकते हैं ड्यू टाइम मतलब कि इसका टेंडर कब ओपन हुआ था। तो 29/1/2024 को दोपहर में 3:30 बजे ओपन हो चुका था, लैप्स हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरी तरह से टेंडर बॉक्स ओपन नहीं हुआ है, अंडर इवोल्यूशन बताया गया, मतलब अंडर इवोल्यूशन का कहने का मतलब ये कि अभी जांच पड़ताल में ही है, मतलब अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आगे हमने उसको इंटर किया है, जब उसके अंदर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29/1/2024 का जो है अपडेट है, आप सभी को बताया दोपहर में 3:30 बजे ओपन हुआ था आरआरसी चेन्नई का जीडीसी ईसीए 2। अब देखिए यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर टेंडर स्टेटस अभी क्या शो कर रहा है, टेक्निकल बिड्स अंडर इवोल्यूशन फाइनेंशियल बिड्स ये टू ओपन, मतलब कि यहाँ पर जो टेक्निकल बिड है वो अभी जांच पड़ताल में है, मतलब कि अभी उसकी जो है जांच ही चल रही, स्क्रूटनी चल रही है। उसके बाद जैसे ही फाइनल होगा तो उसके बाद फाइनेंशियल बिड्स ओपन करेंगे। फाइनेंशियल बिड ओपन होने के बाद थोड़ी बहुत प्रोसेस इंटरनली जो है इनका टेंडर से रिलेटेड कुछ इंटरनली जो है प्रोसेस होती है, उसके बाद जो है फाइनली जितने भी कंपनी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो उनमें से किसी एक जो है कंपनी का नाम पार्टिसिपेट कर एक कंपनी का नाम जो है फाइनल कर दिया जाता है और उसको जो है ईसीए टेंडर दे दिया जाता है, मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। जैसे कि आपका या तो आपका जब भी पिछली बार था एपटेक जो कि बड़ी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसके बाद आपका TCS है वो भी एग्ज़ाम करवाता आपका, इस तरह से जो है कुछ कंपनियों के नाम है। तो यहाँ पर अभी कहने का मतलब ये है कि आरआरसी साउदर्न रेलवे चेन्नई के द्वारा अभी जो ईसीए का टेंडर जारी किया गया जीडीसी सेकंड वाले, मतलब कि अभी फिर से जो अपना अपने आरआरसी लेवल पर जीडीसी करवाएगा, तो इसके लिए सेकंड ईसीए टेंडर जारी किया गया है। इसका टेक्निकल बिड्स अभी जो है जांच पड़ताल में, इवोल्यूशन उसका चल रहा है, जैसे ही फाइनल होगा तो उसके बाद फाइनेंशियल बिड ओपन होगा, उसके बाद जो है आपका लगभग 1 महीने के लगभग प्रोसेस होने के बाद आपका लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा ईसीए टेंडर होने फाइनल होने के बाद। मतलब कि कह सकते हैं कि यदि आप जनवरी के बाद अगर अभी तक 3 महीने बाद भी इनका जो फाइनल नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपका विद इन 1 मंथ इनका जो है फाइनली फाइनेंशियल बिड्स कंप्लीट हो जाए आरआरसी साउदर्न रेलवे का, और मे भी चांस है कि आपका इसका भी एग्ज़ाम जो है मई से लेकर के जुलाई के बीच में जो है आरआरसी साउदर्न रेलवे चेन्नई का भी जीडीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक 3 आरआरसी ने जो है अपना ईसीए टेंडर जारी कर दिया है। पहला आपका आरआरसी सेंट्रल रेलवे ने, उसके बाद आरआरसी आप सभी का देखा जाए तो यहाँ पर साउदर्न रेलवे चेन्नई ने भी, जिसका जो है फाइनली जो है टेक्निशियल बीड होने वाली कंप्लीट और फाइनेंशियल बीड होने के बाद इसको जो है फाइनल कर दिया जाएगा इसी टेंडर को। और उसके बाद आपका जो है साउदर्न वेस्टर्न रेलवे है, मतलब कि आपका हुबली ने भी जो है अपना इसी टेंडर जारी कर दिया है। तो मे भी चांस है कि आपका ये मान के इन सभी 3 आरआरसी का जो है मई से लेकर जुलाई के बीच में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, इस उम्मीद लगाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतने रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय फ्रेंड।